मैसेज पहुंच गया। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ। अच्छा, अगर हिदायत लेने आए हो या सुनना, और यह जुमला इसे याद रखना, तुमने बार बार सुना होगा लेकिन जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ इसे याद रखना। काका अच्छा, अगर हिदायत लेने के लिए बैत करना चाहते हो तो घर के दरवाजे पे बैत नहीं होगी, का याली फिर का मस्जिद रसूल में आओ। मस्जिद रसूल में बैत लूंगा। पूरा मजमा आया मस्जिद रसूल में, मस्जिद नबी में। जब सारा मजमा आकर बैठ गया और अली को यह इत्तला मिल गई कि लोग बैठ गए, मुतमईन होकर बैठ गए अपने अपने मकाम पर, अब अली दाखिल हुए मजमे को चीरते हुए मिंबरे रसूल तक आए। और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि एहतराम बुजुर्गा एक तरीका है मुसलमानों का, और हम एहतराम करते हैं इस तरीके का। मिंबर के वो पाए छोड़ दिए गए थे जिन पर बुजुर्ग बैठते रहे तरतीब से, ये तो तुम्हारी इल्म है और इसकी वजाहत भी नहीं करना चाह रहा हूं मैं। अली पहले पाए पे बुलंद हुए, दूसरे पे बुलंद हुए, उस मकाम पर जाकर बैठे जहां मोहम्मद रसूल अल्लाह बैठा करते थे। रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। इसलिए तुम्हें तो इस मरहले पर मैं रोकूंगा। वहां जाके बैठे जहां पैगंबर अकरम बैठा करते थे, और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों में पैवस्त कर दिया। अब पैवस्त करने के बाद सर को झुकाकर कुछ लम्हे मिंबर पे खामोश बैठे, फिर सर उठाया और उठाने के बाद एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिह कद रजअल हक अला मकानिह। शुक्र है अल्लाह का कि आज हक अपने मकान पे वापस आ गया। भाई रुके रहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिह कद रजअल हक अला मकानिह। अली ने अपने आप को हक कहा, और मेरा नबी कह चुका था अलीयुल माल हक। भाई रुके रह रो, अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन एक जुमला बहरहाल कहूंगा। खत्मे कुराने शरीफ हो या खत्मे तरावी हो, तुमने वो दुआ सुनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नका हक्कुन वल किताब हक्कुन वन नबी हक्कुन वल मौत हक्कुन व सवाल मुनकर व नकीरिन हक्कुन वल बास हक्कुन व सिरात हक्कुन वल मीजान हक्कुन वल आराफ हक्कुन वल जन्नत हक्कुन वल नार हक्कुन। परवरदिगार में गवाही देता हूं कि तू हक है, तेरा मोहम्मद हक है, तेरा कुरान हक है, मरना हक है, मुनकर व नकीर का सवाल हक है, उठाया जाना हक है, आराफ हक है, मीजान हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, और मेरे नबी ने कहा हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो खुदा के साथ अली, मोहम्मद के साथ अली, कुरान के साथ अली, मरते वक्त अली, सवाल के वक्त अली, उठाए जाने वाले जाने के वक्त अली, मीजान पे अली, सिरात पे अली, जहन्नम में भेजने वाला अली, जन्नत में दाखिल करने वाला अली। अब कहां कहां अली से भागोगे? मेरे दोस्तों, आखिरी मंजिल से करीब होने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने कद रजअल हक अला मकाने। हम है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि आज हक अपनी जगह पर वापस आ गया। ये कहते फिर अली ने सर झुकाया, और अब लोगों में सरगोशियां शुरू हुई। एक ने दूसरे से कुछ कहा, दूसरे ने तीसरे से कुछ कहा, तीसरे ने चौथे से कुछ कहा। एक मतलब अली ने फिर सर उठाया, फरमाने लगे, मा हाज़िहिन नजवा बैन अयदीकुम। ये तुम आपस में, फिर तर्जुमा करूं, ये तुम आपस में काना फूसियां क्या कर रहे हो?
या चुपके चुपके आपस में बातें क्या कर रहे हो? कोई दिलेर था जो अभी अली ने बयात नहीं दी, कोई दिलेर था खड़ा हो गया, कहने लगा कि या अली, तुमसे पहले जो बुजुर्ग आए उन्होंने मकामी रसालत का एहतराम किया और वो उस जगह को छोड़ के बैठे, ये तुमने क्या जरूरत थी कि तुम उस मकाम पे आके बैठ गए? बस ये सुनना था कि चोबे मिंबर पर हाथ मारा, बस सुनना खुदा की कसम, बस सुनना, इस जुमले के लिए मैं जहमत दे रहा हूं, अली ने मिंबर की लकड़ियों पर हाथ मारा और कहने लगे मां हाजिल आवाज, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं, सुनना, मैंने भाई देखो, मेरा अली वो है जिसका हर जुमला पॉलिसी बन जाता है, मेरे जुमले को भी अपने जहनों के अंदर महफूज रखना, मेरे अली का हर जुमला पॉलिसी बन जाता है, अभी बतलाऊंगा। मां हाजिल आवाज, इन लकड़ी मेंबर नहीं कहा कि इस मेंबर की हैसियत क्या है, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? लकड़ी के तख्ते, अजीब बात है, मेंबर को कह रहे हैं लकड़ी के तख्ते, इनकी हैसियत क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं, ये कह के हाथ बढ़ाया, मकाम मोहम्मद से हाथ बढ़ाया कि अब बयात करो, देने आए थे चौथी, उस मकाम से बयात करके बताया कि ये पहली है चौथी नहीं है। अजीब मरहला फिक्र है ना, जिस मरहला फिक्र पर आज बात को रोक रहा हूं। मां हाजिल आवाज, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? खुदा की कसम खा के तुमसे कह रहा हूं, यानी मैं जब आया तो माशाल्लाह मजमा भरा हुआ था और इस मजमे के बेशतर अफराद ने यह देखा होगा कि भाई हम तो निस्बतों के मारे हुए लोग हैं ना, ये जुमला भी याद रखोगे, हम तो निस्बतों के मारे हुए लोग हैं, अब मिंबर मंसूब हो गया है नबी की तरफ तो हम चूम के बैठते हैं। चूम के बैठते हैं और हमारा हक जाकिर चूम के बैठता है और जब तक जिंदा है चूम के बैठेंगे, क्योंकि निस्बत हो गई है रसूल से, ठीक है ना? तो जब निस्बत की अहमियत है तो वो मिंबर और उसे अली मिंबर नहीं कह रहे हैं, कहते हैं ये लकड़ी के तख्ते क्या है? यही जुमला यजीद के दरबार में सैयद साजदीन ने कहा। बस एक जुमला कहूंगा और मसाइब की तरफ चला जाऊंगा, राही देखे मुझे इब्तदाई मुहर्रम के मसाइब बयान करने हैं, यजीद के दरबार तक नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जुमला तुमको हदिया करना चाह रहा हूं मैं, सुनोगे? देखो खुदा की कसम, तीनत एक, मिजाज एक, जुमले। जब बहुत शोर हुआ कि नऊज़ुबिल्लाह अमीर के खिलाफ बगावत करने वाले ले आए गए और उनके कई दरबार में आ गए, तो एक मरतबा सैयद सज्जाद खड़े हुए और कहने लगे, या यजीद हल तअज़नुली अन अरफ़ा अला हाज़िहिल आवाज़ व उबय्यन लहुम मनाना, यजीद इजाजत है कि मैं इन लकड़ी के तख्तों पर बैठ जाऊं? लकड़ी के तख्तों पर बैठ जाओ, मिंबर को कह रहे हैं लकड़ी के तख्ते, आले मोहम्मद ने बतला दिया कि हमारे घर में हो तो मिंबर है, तुम्हारे घर में हो तो तख्ता है। बस अजीब मरहला है फिक्र,